the Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से आपके सामने ताज़ा खबरें लेकर हाजिर हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि SBI बैंक ने क्या अलर्ट किया है अपने ग्राहकों के लिए और कौन सी ऐसी महिला हैं जो फाइटर पायलट बनने जा रही हैं और कौन सी शहर की हैं वो महिला। और भी तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपको आश्चर्य में डाल सकती हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की पहली खबर से। देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और फ्रॉड करने वाले नए तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस तरह से फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह कर रहा है। इसी क्रम में SBI ने ठगों की नई तरकीब के बारे में अवगत कराते हुए कहा और साथ ही SBI ने बताया कि ऐसी ठगी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई पर इन ठगों द्वारा हाथ साफ करने से कैसे बचा जाए। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल्स से SBI का संबंध नहीं है। ऐसे में ऐसे ईमेल्स को खोलने से बचना चाहिए। SBI ने बताया कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई मेल नहीं भेजता है। इसलिए अगर आपका अकाउंट SBI में है या यूँ कहीं किसी भी बैंक में है तो आपको किसी भी अननोन लिंक से क्लिक करने पर बचना होगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है आगरा के दयालबाग इलाके में रहने वाले पेशे से चश्मा कारोबारी गजेंद्र शर्मा जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें देश के 125 करोड़ देशवासियों का भला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल वो ऐसी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं जो लॉकडाउन से जुड़ी है। मोरेटोरियम के लाभार्थियों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में उनके पीछे खड़ी है 100 से ज्यादा वकीलों की फौज। ऐसे में उन्होंने ठानी है कि ब्याज पर ब्याज ना देने की जिद। जी हाँ, देखते ही देखते पूरे देश में वो छा गए हैं। दयालबाग निवासी गजेंद्र शर्मा भी लोन मोरेटोरियम के लाभार्थियों को ब्याज पर ब्याज से राहत देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर करोड़ों लोगों के हीरो बन चुके हैं। गूगल यूट्यूब पर गजेंद्र शर्मा लोन मोरेटोरियम आगरा डालते ही उनकी तस्वीर सामने आ जाती है। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं गजेंद्र सिंह जी को। साहित्य अकादमी की ओर से युवा पुरस्कार 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साल 2011 से साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं में 35 वर्ष अथवा उससे कम उम्र के युवा लेखकों के प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। युवा पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020 है। जी हाँ, ये पुरस्कार 24 भाषाओं में भारतीय लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तकों के लिए आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी के मुताबिक युवा पुरस्कारों के लिए 35 वर्ष तक के युवा लेखक भी आवेदन कर सकते हैं। लेखक की उम्र 1 जनवरी 2021 को 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अपनी पुस्तक के साथ लेखक को जन्म प्रमाण पत्र, अपनी शिक्षा योग्यता आदि सभी जरूरी दस्तावेज साहित्य अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। साहित्य अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है sahitya.academy.gov.in। अगर आप भी युवा लेखक हैं और आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है तो आप इन पुरस्कारों के लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ द डॉन एक्सप्रेस की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं। मलयालम के मशहूर कवि अक्कितम अच्युतन लंबूदिरी को उनके आवास पर आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देश के साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। राज्य की संस्कृति मंत्री A.K. बालन ने उनको ये पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विजय ने कहा कि अक्कितम का लेखन केरल वासियों के लिए मलयालम भाषा में कहावत बन गया है। जी हाँ, मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये छठे लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा पिछले साल नवंबर में की गई थी लेकिन COVID-19 लॉकडाउन के चलते पुरस्कार सौंपने के कार्यक्रम में देरी हुई। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं के लिए किसी भाषा में लिखता है तो वो पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, जी हाँ, और
वाग्य देवी का कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कल यानी गुरुवार को कोरोना के कारण निधन हो गया। बसु के निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि परमाणु वैज्ञानिक श्री डॉक्टर बसु का निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बसु परमाणु विज्ञान अनुसंधान के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे और परमाणु ऊर्जा के संचालक पनडुब्बी INS अरिहंत में उनका बड़ा योगदान दिया था। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना, हम भी उनके परिवार और दोस्तों को बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। सचिन तेंदुलकर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, मशहूर कमेंटेटर और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट रमीज राजा तथा श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा सहित क्रिकेट जगत के तमाम हस्तियों ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स के निधन पर शोक जताया। पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर जोन्स गुरुवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। जी हाँ, IPL के स्टार इंडिया शो के लिए कमेंट्री करने वो भारत आए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि इसमें खेल के लेजेंड के तौर पर उनको हमेशा याद किया जाएगा और डॉन एक्सप्रेस की तरफ से भी हम शोक व्यक्त करते हैं। इस खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि जोन्स को जब दिल का दौरा पड़ा तो उनके साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेटली भी शामिल थे। जी हाँ, जोन्स को जब दिल का दौरा पड़ा तो वो CPR देकर उनकी जान बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ली की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। खबरों के मुताबिक ब्रेकफास्ट करने के बाद जोन्स को होटल की लॉबी में दिल का दौरा पड़ा, उस समय उनके साथ ब्रेटली भी मौजूद थे। जोन्स के निधन के बाद पूर्व क्रिकेट जगत में मातम सचा गया है। UAE में खेली जा रही इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर जोन्स को श्रद्धांजलि भी दी। जोन्स इंडियन प्रीमियर लीग के लिए स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री का हिस्सा ले रहे थे और इसलिए वो मुंबई गए थे। दुनिया भर में क्रिकेटर्स जोन्स की मौत से स्तब्ध है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी जोन्स के निधन पर दुख जाहिर किया। भारतीय बाजार में अगले महीने 15 तारीख को जगुआर लैंड रोवर अपनी लोकप्रिय SUV लैंड रोवर डिफेंडर को बाजार में उतारने वाली है। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि मॉडल के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। जी हां, इंडिया के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक रोहित सूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो उनके लिए बहुत गौरव का क्षण है। 2009 में भारतीय बाजार में उतरने के बाद वो पहली बार डिफेंडर को यहाँ ला रहे हैं। जी हाँ, लैंड रोवर और ऐसी और भी गाड़ियां हैं जिनको वो उतारने के भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं और वो इसे लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। वर्तमान में भारतीय बाजार में लैंड रोवर पोर्टफोलियो के विभिन्न मॉडल मसलन रेंज रोवर SUV, डिस्कवरी स्पोर्ट जैसी और भी रेंज रोवर उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि JLR देश भर में 24 शहरों में 27 लीडरशिप के जरिए वाहनों की बिक्री करती है। मोटरसाइकिल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन ने गुरुवार को कहा कि वो भारत में अपनी मौजूदा कारोबारी मॉडल बंद कर रही है। बाइक निर्माता कंपनी ने बयान में कहा कि इस प्रक्रिया के तहत कंपनी हरियाणा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बंद करने और गुड़गांव में अपनी बिक्री कार्यालय के आकार को काफ़ी कम करने की योजना बना रही है। कंपनी भारत में अपने ग्राहकों को जानकारी दे रही है और भविष्य की गतिविधियों के संदर्भ में उन्हें ताज़ा सूचना उपलब्ध करा रही है। हार्ले डेविडसन ने कहा कि कंपनी की लीडर नेटवर्किंग अवधि में माध्यम से ग्राहकों की सेवा जारी रहेगी। जी हाँ, बयान में कहा गया कि कंपनी भारत में अपने बिजनेस मॉडल को बदल रही है और अपने ग्राहकों की सेवा जारी रखने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। उद्योग के सूत्रों में कहा कि कंपनी देश में अपना कारोबार चलाने के लिए एक साझेदार के साथ गठजोड़ करना चाहती है। कंपनी ने इस कदम के लिए करीब 70 कर्मचारियों की छंटनी होगी। कंपनी को उम्मीद है कि 23 सितंबर 2020 को लेकर 12 महीनों के भीतर अनुमोदित गतिविधियों को पूरा किया जाएगा। जी हाँ, और भी बाइक्स इसमें शामिल हैं। भारतीय नौसेना में नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है 10+2। जी हाँ, 10+2 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जारी पदों पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए आयु सीमा की बात करें तो ऐसी आवेदन जिनमें जन्म 2 जुलाई 2001 और 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ हो। पद का नाम 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम
रखा गया है। ब्रांच के अनुसार पदों की रिक्तियां की गई हैं। जी हाँ, अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में न्यूनतम 70% अंकों के साथ, 12वीं और 10वीं अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक के साथ उनमें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 अक्टूबर 2020 है और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होगी। हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं उन सभी छात्रों को जो 10+2 है और वो नेवी में आवेदन करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं अब उस खबर के बारे में जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि महिला पायलट ऐसी कौन सी हैं जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होंगी। जी हाँ, बनारस में रहने वाली शिवांगी एक महीने से अंबाला में राफेल कन्वर्जन ट्रेनिंग ले रही हैं। जल्द ही उन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। अंबाला आने से पहले शिवांगी राजस्थान में पाकिस्तान सीमा में लगे एयरबेस पर तैनात थी। वहाँ उनके विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ भी काम किया, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद MiG-21 में पाकिस्तान वायुसेना के फाइटर जेट में मार गिराया था। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी MiG-21 बाइसन उड़ा रही थी। 2017 में कमीशन पाने वाली शिवांगी महिला फाइटर पायलट के दूसरे बैच से हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। 2016 में उन्होंने वायुसेना अकादमी में ट्रेनिंग शुरू की। वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो ऐसा काम कर रही हैं। हम द डॉन एक्सप्रेस की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप कोई भी खास खबर हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। से आभार, डेली हंट डेली हो। नमस्कार।